हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अयूब, आप देख रहे हैं माइंडेड गुरुजी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस लॉकडाउन के चलते आपको अपना यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट करना है। बहुत आसान भाषा में हम आपको बताने वाले हैं, तो हमारे वीडियो से बने रहे, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें और अपना नया यूट्यूब चैनल क्रिएट करें जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मैं आपको पीसी के द्वारा बताऊंगा और मोबाइल के द्वारा भी। अब इसमें आपको यूट्यूब ओपन कर लेना है। यूट्यूब ओपन करने के बाद कॉर्नर में आपको इमेज दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। इसमें आपको देखिए योर चैनल, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। इंटरफेस आने के बाद दोस्तों, ये मेरा पहले से चैनल बना हुआ है। अगर आपका भी ऐसे ही चैनल बना हुआ हो तो कस्टमाइज चैनल, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपका पहले से कोई चैनल बना हुआ है और इस प्रकार से खुलता है तो आपको कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करना है। कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करने के बाद ही आप नया चैनल क्रिएट कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, अब ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ गया। अब आपको फिर से इमेज पर क्लिक करना है कॉर्नर में, और इसमें ऐड अकाउंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए, इसमें हमारे ईमेल आ रहे हैं, तो हमें कौन सा ईमेल लगाना है। मैं देखिए माइंडेड गुरुजी, मैं इस ईमेल को लगा देता हूँ। इससे ही हमें नया यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है। फिर से आपको इस कॉर्नर में इमेज पर क्लिक करना है, और इसमें एक सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है छोटा सा, इस पर क्लिक कर देना है जिसमें लिखा हुआ था यूट्यूब सेटिंग। अब देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्रिएट चैनल, ये बहुत आसान है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके आप अपना चैनल क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा, इसमें नाम लिखना है आपको, जो अपना चैनल का नाम लगाना है। और नाम दोस्तों चैनल से रिलेटेड होना चाहिए, जैसे कि मुझे टैग चैनल बनाना है तो मैं इसमें लिखूँगा गोल टैग, क्योंकि मुझे टैग चैनल बनाना है। इसी प्रकार से आपको अपने चैनल से रिलेटेड नाम लिखना है ताकि सर्च में जल्द से जल्द आए और आपको आपकी तरफ लोग अट्रैक्टिव हो। तो दोस्तों, मैंने गोल्ड टैग लिख दिया है। इसके बाद क्रिएट चैनल पर क्लिक कर दिया और हमारा यह चैनल तैयार हो गया। अब हमें थोड़ी सी सेटिंग करनी है, तो कस्टमाइज चैनल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, ये लिख रहा, इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको ऐसा इंटरफेस सामने आ जाएगा। इसमें हम पहले अपना फ़ोटो चेंज कर लेते हैं। तो फ़ोटो चेंज करने के लिए आपको इस फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना होगा और एडिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, नेट थोड़ा स्लो चल रहा है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, इसकी वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। अब इस पर चेंज पर आपको क्लिक कर देना है। चेंज पर क्लिक करने के बाद देखिए, इसमें सेलेक्ट फ्रॉम योर कंप्यूटर, आपको इसमें से एक अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं इसमें से फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया और मैं इसे चेंज कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये चेंज हो चुका है। आप यहाँ से चाहे तो अपना जेंडर भी चेंज कर सकते हैं और आपकी बर्थ भी चेंज कर सकते हैं। नीचे देखिए आपका ईमेल वगैरह आ रहा है, तो इस प्रकार से आप इसमें एडिट करके कुछ भी लिख सकते हैं अपने अनुसार। ठीक है, अब हमें अपने यूट्यूब पर वापस जाना है, इसे हटा देना है और यहाँ पर एक बार रिफ़्रेश करना है। रिफ़्रेश करने के बाद आपका फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए आ चुका है। अब इसमें आपको एक फ़ोटो आर्ट की ज़रूरत होगी जिससे आपका चैनल अट्रैक्टिव दिखे और जो भी आपके चैनल पर जाए वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करे और आपकी वीडियोज़ को देखे। इसके लिए मैंने आई बटन में एक वीडियो दी हुई है, उसे देख लेना कैसे आपको आर्ट बनाना है। पहले आर्ट बनाना है, फिर इसमें एडिट करना है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने, देखिए ये फ्यूचर चैनल है, इसमें अगर आपका कोई चैनल है तो उसकी लिंक दे देना है जिससे यहाँ से भी आपको कोई सब्सक्राइब कर सकता है। अब आपको वीडियो मैनेजर पर क्लिक करना है, जो ऊपर कॉर्नर में दिख रहा है। वीडियो मैनेजर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा, देखिए ये आ चुका है, इसे हटा देना है। देखिए आपको ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अभी आपने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की है तो पहले हमें कुछ ऑप्शन देख लेने हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि देखिए डैशबोर्ड, इसमें आपको अपनी सारी वीडियोस दिखेंगी, और नीचे आ रहा वीडियोज का ऑप्शन, इसमें भी आपको वीडियोस दिखेंगी। ठीक है दोस्तों,
और फिर नीचे आते हैं इसमें लिख रहा है प्लेलिस्ट। इसमें आपको प्लेलिस्ट बनानी है, जैसे आप यूट्यूब पर लिखते हैं तो यूट्यूब की प्लेलिस्ट, और अर्निंग से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं तो अर्निंग से रिलेटेड प्लेलिस्ट। नीचे आ रहा है एनालिसिस। एनालिसिस के द्वारा दोस्तों आप अपने चैनल की परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि आप क्या परफॉर्मेंस देख रहे हैं अपनी वीडियो में। कमेंट में दोस्तों आपको लोगों के द्वारा कमेंट प्राप्त होंगी, और नीचे मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आ रहा है। इसमें आपको कम से 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे का वॉच टाइम पूरा कर लेने के बाद इसे आपको अप्लाई करना है। अभी फ़िलहाल इसमें कुछ भी नहीं करना है, तो ये काम बात का है। तो दोस्तों नीचे आ रहा है ऑडियो लाइब्रेरी। ऑडियो लाइब्रेरी में आपको फ्री सॉन्ग्स मिलेंगे, जिससे आपके चैनल पर कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं पड़ेगी। अब सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, और इसमें जनरल जनरल को तो हम यहीं रहने देंगे, और चैनल पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको देखिए गोल्ड टैग लिखा हुआ है, लेकिन नीचे कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स में भी आपको अपने चैनल से रिलेटेड नाम लिखने हैं, जिससे आपका चैनल सर्च में आ जाए। और यह बहुत आसान तरीका है सर्च में लाने का। तो इसमें आपके टैग चैनल से रिलेटेड नेम लिखने होंगे, जैसे मैंने कैपिटल में लिख दिया गोल्ड टैग, स्मॉल में लिख दिया गोल्ड टैग, और इसी प्रकार से आपको 4-5 वर्ड और लिखने होंगे। गोल लिख दिया, टैग अलग से लिख दिया। इसी प्रकार से कोई गोल सर्च करेगा तो गोल टैग आएगा, टैग सर्च करेगा तो भी गोल टैग आएगा। इस प्रकार से आपको कीवर्ड्स लिखने हैं। ये बहुत आसान तरीका है सर्च में लाने का, तो इससे सर्च में आ जाता है, ये आपको भूलना नहीं है। नीचे आ रहा है कंट्री। तो दोस्तों हमें अपनी कंट्री चुन लेनी है कि हम किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं इसको एडिट करके, अब देखिए कंट्री चुन लेता हूँ। इसमें जैसे मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया सेलेक्ट करूँगा। इसमें आप भी अपने अनुसार इसमें सेलेक्ट कर ले, ज़्यादातर इंडिया से ही होंगे मुझे पता है। देखिए अब इसके बाद आपको इस कस्टमर चैनल आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप वहीं पर चले जाएंगे। तो इसे आपको हटा देना है, बैक ले देना है। अब आपको यहाँ से सेव कर देना है। सेव करने के बाद दोस्तों सेटिंग्स पर फिर से क्लिक करना है। सेटिंग्स पर फिर से क्लिक करने के बाद अपलोड डिफ़ॉल्ट, इस पर क्लिक करना है। इसमें फर्स्ट पर आ रहा है टाइटल, ऐड टाइटल। तो दोस्तों टाइटल अगर आप वीडियो में एक ही टाइटल डालोगे तो यहाँ पर आप उस टाइटल को लिख सकते हैं, ताकि हर वीडियो में वही टाइटल रहेगा। तो टाइटल तो हम अलग अलग लिखेंगे, तो इसमें हमें कुछ भी नहीं लिखना है। और नीचे आ रहा है दोस्तों, नीचे आ रहा है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन का भी वही हाल है, अगर आप एक ही डिस्क्रिप्शन को हर वीडियो में लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक बार इसे लिखकर सेव कर सकते हैं, जिसे हर वीडियो में एक ही डिस्क्रिप्शन आएगा, और वहाँ पर आप उसमें थोड़ा बहुत एडिट कर सकते हैं। तो बड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख के आप यहाँ पर पेस्ट कर देना, ठीक है, जिससे आप वहाँ पर अगर कुछ भी चेंजिंग करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बार आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर विजिबल में आपको पब्लिश करना है दोस्तों। इसमें टैक्स आ रहा है नीचे, टैक्स में आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर हम वीडियो के अनुसार टैग देंगे, ठीक है। सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए इसमें एडवांस सेटिंग और है, इसको भी दिखा देता हूँ। स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस, ये आपको इसका मतलब है आप खुद अपनी वीडियो बनाते हैं तो इसको रहने दें। और इसमें आपको कैटेगरी में अपनी कैटेगरी चुन लेनी है, किस से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। तो टैग और साइंस मैंने चुन लिया है, टैग से रिलेटेड वीडियो, और सब कुछ ऐसा कैसे रहने दें इसमें दोस्तों, इसको तो बिल्कुल भी ना छेड़े। और इसमें नीचे आ रहा है अलाउ कमेंट्स, ये अलाउ कमेंट्स को आप अलाउ रहने दें, क्योंकि आपके पास कमेंट आएगी। सेव कर दें। सेव के बाद फिर से सेटिंग्स पर क्लिक करें, और नीचे जो ऑप्शन आ रहा है परमिशन का, इसको बिल्कुल भी ना छेड़े। कम्युनिटी का ऑप्शन आ रहा है, इसको भी बिल्कुल ना छेड़े, ठीक है दोस्तों। अब ये आपका चैनल तैयार हो चुका है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वीडियो आपको डालनी है, यहाँ से वीडियो अपलोड करनी है। वीडियो के ऑप्शन इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए सेलेक्ट फाइल, और यहाँ से एक फाइल चुनकर आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पीसी द्वारा चैनल बनाना। अब हम बताएंगे आपको अपने मोबाइल से कैसे इसे बनाते हैं चैनल को, ठीक है। तो हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आपको ले चलते हैं, वहाँ से भी आसान तरीका बताएंगे। तो देखिए दोस्तों हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर आपको लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको पहले YouTube ओपन कर लेना है, तो मैं YouTube को ओपन कर लेता हूँ। YouTube ओपन करने के बाद ऊपर कॉर्नर में देखिए इमेज का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। और बगल में माइंडेड गुरुजी के बगल में एक एरो का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। इसमें से हमें अकाउंट चुन लेना है। तो देखिए इसमें गोल्ड टैग जो लिखा हुआ है इसको मैं चुन लेता हूँ, क्योंकि यही मुझे अकाउंट बनाना है। इस पर क्लिक करने के बाद ऐसा
आपके सामने इंटरफेस आएगा और आपको फिर से इमेज पर क्लिक करके योर चैनल जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको चैनल बनाना है, तो हम गोल्ड टैग ही लिखेंगे क्योंकि हमें यही चैनल बनाना है। आपको अगर नाम अलग रखना है तो अपने अनुसार नाम रख सकते हैं और क्रिएट चैनल पर क्लिक कर देना है। तो ये अपना क्रिएट, देखिए चैनल क्रिएट हो चुका है। आप यहाँ से वीडियो डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। सेटिंग्स पर जाकर आप इसमें डिस्क्रिप्शन और नाम को भी चेंज कर सकते हैं। तो हमें अभी तो कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ बताना है, आपको अपने अनुसार इसमें कुछ भी लिख देना है। तो अब हमें कुछ भी नहीं करना, हमारा चैनल तैयार हो चुका है। अगर आप यहाँ से भी वीडियो अपलोड करना चाहते हैं तो ऊपर वीडियो का ऑप्शन दिख रहा होगा, है ना, आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से वीडियो अपलोड कर देनी है। तो हम इसे और भी अच्छी तरीके से एडिट करके दिखाते हैं। तो क्रोम जो ब्राउज़र है इसको आपको ओपन कर लेना है। हम आपको पीसी की तरह ही इसमें एडिट करके दिखाएंगे। यूट्यूब जो दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। देखिए ऑप्शन आ चुके हैं इसमें आपको। देखिए पहले इसमें डेस्कटॉप साइट जो लिखी हुई है इस पर क्लिक करना है, डेस्कटॉप साइट, ठीक है दोस्तों, जिससे आपका मोबाइल पीसी की तरह बदल जाएगा इसकी स्क्रीन, ठीक है। अब इस पर आपको कॉर्नर में दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है और YouTube स्टूडियो इस पर क्लिक कर देना। थर्ड ऑप्शन है YouTube स्टूडियो। YouTube स्टूडियो पर क्लिक करने के बाद आपको बिल्कुल पीसी की तरह ही इंटरफेस दिखेगा। देखिए दोस्तों जो हमने पीसी में दिखाया था वही इसमें दिख रहा है और सेम वही प्रोसेस यहाँ पर आपको करनी है दोस्तों। सेम प्रोसेस है बिल्कुल दोनों में। तो आपको इसी प्रकार से चैनल बनाना है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनती है, और दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।